रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सलमान खान पुत्र अजीज निवासी वार्ड नंबर 1 अहरीपुरवा गजफ्फरनगर थाना जंगीपुर जिला गाजीपुर, दूसरा बबलू राजभर पुत्र फेकू राजभर निवासी ग्राम जुमरी एखरार्स थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिनके पास से एक गोवंश, एक पिकअप गाड़ी, दो सरिया, 25 ईंट के टुकड़े, 10 शीशे के बोतल बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तेज रफ्तार से आ रही पिकअप को बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किए तो पिकअप चालक व उस पर सवार 5 अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नीयत से ललकारते हुए चिल्लाने लगे कि ये पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार दो, और हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से पिकअप चढ़ाने का प्रयास किए तथा आपस में ही तेज आवाज में बोले कि इन पुलिस वालों को कुचल दो तभी ये मानेंगे, और गाड़ी में रखे ईंट पत्थर व शीशे की बोतलों को फेंक कर पुलिस टीम को मारने लगे, जिससे कांस्टेबल पवन कुमार को काफी गंभीर चोटें आईं। मौके से पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते वे घेर कर दो अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, आजाद नगर चौकी प्रभारी बबलू कुमार, उप निरीक्षक हरि प्रकाश यादव, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल सोनू, विनीत सिंह, मुन्ना कुमार यादव, सुरेंद्र वर्मा शामिल रहे।